हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम कोरियन एग रोल बनाएंगे, पर उसे हम देसी टच देंगे। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, उसमें तीन हमने अंडे लिए हैं, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, ये एक टेबलस्पून हमने बारीक कट करके लिया है प्याज, ये एक टीस्पून हमने शेजवान चटनी ली है, एक टेबलस्पून हरा प्याज लिया है स्प्रिंग ऑनियन, एक टेबलस्पून गाजर है और एक टेबलस्पून हमने शिमला मिर्च ली है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं कोरियन एग रोल। फ्रेंड्स आइए, पहले हम अंडा तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा अंडे को हम बीट कर लेंगे। बाकी की सभी चीज़ें अभी ऐड कर लेते हैं। ये गाजर लिया है एक टेबलस्पून, ग्रीन प्याज है वो भी एक टेबलस्पून, प्याज लिया है एक टेबलस्पून और शिमला मिर्च है हरी वो भी एक टेबलस्पून। साथ में ही ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम शेजवान चटनी ऐड करते हैं, जो हमने एक टीस्पून ली है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन करके उसके ऊपर पैन रख लिया है। अभी हम पहले इसे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसमें हम ये मिक्सचर डालेंगे। जितना हो सके उतना पतला हमें ये ऑमलेट बनाना है। जब तक कि हमारा ऑमलेट सूख रहा है, हम ये थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, ये चीज़ हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, पर ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अभी हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड साइड से हम इसे रोल करेंगे। वापिस से इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑमलेट का मिक्सचर हम इसके ऊपर डालेंगे। जितना हो सकता है उतना पतला कीजिए, ताकि हमारा एग रोल बहुत अच्छे से बने। वापस से ये हम थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर डालेंगे। और इसे फोल्ड करेंगे। अगर आपको ऐसा फोल्ड करना थोड़ा हार्ड लग रहा है तो आप इसे दो चम्मच के साथ इसे रोल कीजिए। वापस से हम इसे पीछे कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के, अगर ये थोड़ा टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम जब आगे का ऑमलेट डालते हैं तो हम इसे सील कर सकते हैं।
ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। से मैं इसे फोल्ड करती हूँ। और ये बचा हुआ मिक्सचर इसमें ला कर गैस की फ्लेम हमने पूरे प्रोसीजर में स्लो पे ही रखी है। इसे हम फोल्ड कर लेते हैं, एकदम सॉफ्ट हैंड से हमें इसे फोल्ड करना है। ये हमारा एक ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसके पीसेस निकाल के सर्व कर। ये मेरे देसी ट्विस्ट वाली कोरियन एग रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए। मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।